चार जूनला लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर नितीश कुमार यांना इंडिया आघाडीकडनं पंतप्रधान पदाची ऑफर होती असा दावा जेडीयूचे सरचिटणीस के सी त्यागी यांनी केलेला आहे. ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1,00,000 अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे. मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा. इंडिया आघाडीकडून नितीश कुमार यांना सतत फोन येत होते, मात्र नितीश कुमार यांनी ऑफर धुडकावून लावल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. नितीश कुमार एनडीए मध्येच राहणार आहेत असं त्यागी यांनी स्पष्ट केलं. नहीं, ऐसी सारी चर्चा अफवाहों पर विराम लगना चाहिए. हम इसे सिरे से खारिज करते हैं. कल भी नीतीश कुमार जी बहुत कैटेगरिकली थे कि हम दाएं बाएं कहीं नहीं, अब एनडीए का हिस्सा हैं, इसी को मजबूत करेंगे. चर्चाएं तो क्या, सच बात तो ये है कि जो नीतीश कुमार जी को संयोजक पद के लिए तैयार नहीं थे, वो अब उनको प्रधानमंत्री के ऑफर दे रहे हैं. यद्यपि ऐसी किसी भी प्रस्ताव को हम रिजेक्ट कर चुके हैं. मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर कहाँ से आ गया और किसने दे दिया सर? इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.